हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को कक्षा 10 के विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत के महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न को हल कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप टारगेट रखते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% अंक लाने का, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। आप सभी को उन्हीं प्रश्नों को हल कराते हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, और ये ऐसे प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स जो आपके पिछले साल के पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने पहला नंबर का सवाल क्या है कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। देखिए, ये आपके 2021 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है और 2024 के पेपर में 100% फ्रेंड्स ये सवाल आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप याद रखिएगा वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्ट अभी याद रखिएगा कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। इस प्रश्न का आंसर सी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को चारों ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा जो एम्पियर होता है किसका होता है, धारा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पियर। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्रेंड्स, ये अभी पढ़े हैं कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। फ्रेंड्स, देखिए वाट जो होता है आपका शक्ति का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मात्रक बताए हैं आप इन मात्रों को जरूर फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। आपका ये प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जो कि दूसरा नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2021 में 2020 में ये सभी प्रश्न आ चुके हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या है कि एक वैद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत बल्ब होता है फ्रेंड्स, इसका तंतु किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन है नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का या टंगस्टन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रखिएगा जो वैद्युत बल्ब होता है, वैद्युत बल्ब का जो टंगस्टन होता है वैद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, आप घर पे जो बल्ब देखते हैं इस तरह बल्ब होता है ना, इसमें देखेंगे अंदर जो इस प्रकार से वायर होता है यही आपका क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए जो नाइक्रोम होता है इसको भी याद रखिएगा। ये हीटर जो होता है, जो हीटर के वायर होते हैं किसके बने होते हैं, किसका बना होता है फ्रेंड्स, तो नाइक्रोम का बना होता है जो, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब कौन सा था, डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। फ्रेंड्स, आपके सामने तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर का सवाल फ्रेंड्स, आप 2023 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके घरों में क्या होता है, जो सप्लाई आता है उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो ऑप्शन शून्य होगा, 50 हर्ट्ज़ होगा, 60 होगा या 100 होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो हम लोगों के घरों में सप्लाई आ रहा है, जो बिजली आ रही है, उसकी जो आवृत्ति होती है फ्रेंड्स वो होता है आपका 50 हर्ट्ज़ का। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप देखिए, आपका चौथा नंबर का सवाल है, इसको तो आप इम्पॉर्टेंट 2024 के पेपर के लिए कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए क्यों, देखिए ये 2022 के पेपर में तो आया भी है और 2024 के पेपर में भी आएगा फ्रेंड्स। देखिए क्या है सवाल कि एक 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को लगाने के लिए आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब इस प्रकार का सवाल मिले तो देखिए, आपका तुल्य प्रतिरोध आर बराबर होता है एक प्रतिरोध का मान अपान प्रतिरोध की संख्या, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, एक लाइन का सिर्फ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा है एक प्रतिरोध का मान, देखिए फ्रेंड्स एक प्रतिरोध का मान दिया कितना है, 5 दिया, यहाँ 5 कर लीजिए, अपान प्रतिरोधों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स कि एक तार जो है इसका क्या 5 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, वही संख्या होगा ना, कितना होगा प्रतिरोधों की संख्या, 5 बराबर भाग में बट जाएगा। तो यहाँ पे 5 लेंगे, देखिए 5 से 5 कटेगा, कितना आएगा आपका, 1 ओम आएगा। देखिए ओम का सिंबल इस तरह होता है, तो कितना आएगा आंसर, 1 ओम। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। देखिए ये भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है क्या सवाल कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो फ्रेंड्स पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, वोल्ट, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत ऊर्जा का जो छोटा मात्रक होता है फ्रेंड्स, आपको एसआई मात्रक जिसे कहते हैं क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जो जूल होता है, देखिए ऑप्शन में आपको जूल है नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको इसके साथ में याद रखिएगा, ऊर्जा का बड़ा मात्रक जो होता है किलोवाट आवर होता है, ठीक है। किलोवाट आवर मतलब किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। जिसे आपका मीटर जो घर में लगा होता है फ्रेंड्स, उसका यूनिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। जो मीटर लगा होता है उसका जो मापा जाता है किलोवाट आवर में, यानी किलोवाट घंटा, जिसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसके अलावा जो ऑप्शन दिया है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वोल्ट को याद रखिएगा, ये विभव का मात्रक, विभव कहिएगा या विभवांतर कहिएगा, ठीक है, विभवांतर। इसका मात्रक यदि विभव को पूछता है या विभवांतर का मात्रक पूछता है तो आप वोल्ट बताइएगा। फ्रेंड्स वाट जो होता है आपका शक्ति का मात्रक होता है, किसका होता है, शक्ति का। और ये किलोवाट होता है ये भी शक्ति का होता है, लेकिन ये बड़ा मात्रक है, ठीक है। देखिए वाट एसआई मात्रक है, छोटा मात्रक है, ये आपका बड़ा मात्रक है। तो फ्रेंड्स सभी प्रश्न के यहाँ पे जो दिया है, ऑप्शन दिया है, सभी का ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए आपका छठवां नंबर का सवाल क्या है, इस प्रश्न को देखिए बताते हैं आपको। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है। ऑप्शन है चालक, अर्धचालक, अतिचालक या विद्युतरोधी। और देखिए 2023 के पेपर में भी फ्रेंड्स आ चुका है। फ्रेंड्स देखिए किसका उच्च प्रतिरोध होता है, तो आप ऑप्शन देखिए, इसका तो सही जवाब डी होगा, विद्युतरोधी। देखिए फ्रेंड्स विद्युतरोधी का मतलब होता है जिसमें आपका करंट आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, वो विद्युतरोधी कहलाता है, ठीक है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आपका सातवां नंबर का सवाल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। देखिए फ्रेंड्स आपको बार बार बता रहा था कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन देखिए, वोल्ट, वाट, जूल, कूलम। तो फ्रेंड्स देखिए विद्युत शक्ति के जो मात्रक होता है वाट होता है, जो कि आप ऊपर वाले प्रश्न में अभी बताए भी थे कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। फ्रेंड्स अभी आपको बताया है कि वोल्ट जो होता है विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, जूल जो होता है आपका कार्य का मात्रक कर सकते हैं, या इसके अलावा ऊर्जा का मात्रक भी कर सकते हैं। कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, दोनों का मात्रक क्या है आपका, जूल है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कूलाम को याद रखिएगा, जो कूलाम होता है आपका आवेश का मात्रक होता है, किसका होता है, आवेश का। तो सभी ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवालों को देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए आपका आठवां नंबर का सवाल क्या है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, आवेश की मात्रा। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे आवेश जब पूछ रहा है तो आवेश क्यू इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आई टी होता है। क्यू इक्वल टू फार्मूला आप सभी को पढ़ाए थे तो बताए थे इसका मात्रा क्या होता है आपका। देखिए फ्रेंड्स क्यू इक्वल टू आई टी ये फार्मूला होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा है ना, मतलब इसका मतलब ये आई का मान दिया, ठीक है। 2 सेकंड मतलब होता है ये टी का मान दिया है, चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फार्मूला जो बताए हैं क्यू इक्वल टू क्या बताए हैं, आई टी बताए हैं। आई का मान कितना है 2 और टी का मान कितना है 2, 2 × 4 होगा। फ्रेंड्स जब यहाँ पे आवेश की मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कूलाम, 4 कूलाम हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 कूलाम कहाँ पे दिया, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में सवाल आते हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए आपका आया भी हुआ है सब प्रश्न आपके। देखिए फ्रेंड्स 9वां नंबर का सवाल क्या है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़े होंगे, ऑप्शन पहले देख लीजिए, सरल रेखा, वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा या लगातार दिशा बदलती रेखा होगा। तो फ्रेंड्स ओम के नियम के अनुसार देखिए ये ग्राफ आप पढ़े होंगे कि इसमें ग्राफ ऐसे बनता है, ये भी होता है आई, इसका मतलब आई और भी के बीच में जो ग्राफ बनता है क्या है, एक रेखा, सीधी रेखा है ना। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये 2020 और 2019 में ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में सवाल आते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स 10वां नंबर का आपका सवाल क्या है, इस सवाल को देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान धारा होता है, ठीक है।
आपको बताना है कि प्रतिरोधों के जब समांतर संयोजन होता है में समान धारा होता है तो ऑप्शन है क्या होगा, धारा, यहाँ पे धारा नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे समान होता है ना, ये थोड़ा सा आप लिख, यहाँ पे धारा नहीं होगा ना, पहले सवाल की प्रतिरोधों को जब समांतर में संयोजन होता है तो उस समय समान होता क्या है, ऑप्शन है धारा होगा, विभवांतर होगा या आवेश होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जब समांतर क्रम में संयोजन करते हैं, समांतर का मतलब फ्रेंड्स देखिए आप कुछ प्रतिरोध जोड़ के बता देते हैं जिससे आपको इस प्रश्न को कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसे समांतर क्रम कहते हैं, इसे एक बैटरी के द्वारा इस तरह जोड़ दिया जाता है। तो इस क्रम में फ्रेंड्स आपका जो होता है समान क्या होता है, देखिए वोल्टेज इसमें देखिए वी वी और वी यहाँ पे भी, तो वोल्टेज क्या होता है आपका समान होता है और धारा जो होता है क्या फ्रेंड्स अलग अलग हो जाता है। धारा इसमें क्या होता है आपको पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे इसमें फ्रेंड्स कि इसमें धारा क्या होता है अलग अलग बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है समान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, विभवांतर क्या होगा इसमें समान होगा। और देखिए 2018 के पेपर में आ चुका है, यदि फ्रेंड्स यही श्रेणी क्रम में कहता तो उसमें धारा आपका क्या होता है समान होता है। पढ़ाते समय आपको पता है सब, ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में आपका धारा समान होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, 11वां नंबर का सवाल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या है, हीटर का तार बना होता है। देखिए फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि हीटर का तार किससे बना होता है, ऑप्शन है तांबा का बना होगा, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहा का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हीटर का जो क्वाल बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। फ्रेंड्स इसके अलावा जो प्रश्न आपको एक बताया था कि बल्ब, बल्ब का जो तंतु होता है फ्रेंड्स वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, याद रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए आपका 12वां नंबर का सवाल क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का, ठीक है। देखिए क्या है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको अभी बताया था कि जब तुल्य प्रतिरोध पूछेगा और इस तरह देखा सवाल, तो एक प्रतिरोध का मान अंश में रखना है और टोटल प्रतिरोधों की संख्या हर में लिखना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रतिरोध का मान दिया कितना है, 4 ओम है ना, यहाँ पर 4 रखेंगे अपान चालकों की संख्या कितना है, यन चालक है तो यहाँ पर बटा में यन कर लेंगे, यानी आंसर क्या होगा 4 बटा के यन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 बटा के यन, देखिए कहाँ पे 4 बटा के यन ये है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2013-2014 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला कब लगता है, जब ये क्रम दिया रहता है समांतर क्रम, कैसे क्रम दिया रहे समांतर क्रम में रहता है तभी यह फार्मूला आपका लगता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल है, देखिए 13 नंबर का क्या है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है, 2018, 2016, 2015 में देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट या 756 वाट। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के, ठीक है। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स आपका 14 नंबर का सवाल क्या है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ये देखिए 2023 के पेपर में ये सवाल आया है कि लघु पथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। पहले ऑप्शन को देखिए फिर उसके बाद इसको समझाते हैं, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। देखिए फ्रेंड्स आपको लघु पतन का मतलब होता है, जैसे घर में क्या होता है कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट, मतलब दो वायर जो होते हैं जैसे एक वायर ये हुआ और एक वायर इधर से, ये दोनों आपस में जब ऐसे सट जाते हैं यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो फ्रेंड्स जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें धारा का मान क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसमें देखिए बहुत अधिक हो जाता है। लघु पतन के समय आपका क्या होता है, विद्युत धारा बहुत अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स लघु पतन ये 2023 के पेपर में आ चुका है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा ना कि लघु पतन मतलब होता है इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। जो घर में शॉर्ट सर्किट होता है देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा करंट बहने लगता है, ठीक है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है जो 15 नंबर का है, देखिए इस सवाल को आपको कैसे लगाना है बस ध्यान दीजिएगा। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑप्शन क्या है 1.5, एक मतलब यहाँ पे एम्पियर है फ्रेंड्स, एक मतलब क्या होता है एम्पियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को लगाना था। देखिए पहले आपको यहाँ पूछा क्या है कि धारा का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पहले दिया है वोल्टेज, विद्युत वाहक बल का मतलब भी का मान दे दिया, प्रतिरोध मतलब ये आर का, कैपिटल आर का मान दे दिया। तो फ्रेंड्स आपके ओम के नियम के अनुसार पता है कि भी इज इक्वल टू क्या होता है, भी बटा के आर होता है। भी का मान कितना है, 1.5 है। आर का मान कितना है, 3 है। अब इसको कटा लीजिए, कितना, 3 × 5 = 15, 5 होगा। देखिए एक अंक पर दशमलव, यहाँ पे दशमलव लग जाए, 0.5। और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को ऐसे दिखाते हैं तो कितना आएगा, 0.5। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 2020 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 16वां नंबर का आपका सवाल क्या है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, विद्युत शक्ति का सही सूत्र पूछ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिए, पी इक्वल टू आई आर होता है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर, पी इक्वल टू आई आर। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत शक्ति को पी से दिखाते, पहले तो ये पता होना चाहिए कि विद्युत शक्ति को किससे दिखाते, पी से। और इसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है, या क्या होता है, वी आई होता है, या वी स्क्वायर आर। ये तीनों जो फार्मूला होते हैं फ्रेंड्स, विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, तो इन तीनों में से देखिए आपका दिया आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आई स्क्वायर ये आर होगा, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए 2023 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है सवाल, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का 3 फार्मूला हुआ, आई स्क्वायर आर, वी आई, वी स्क्वायर आर। समझ में आ गया ना। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, 17वां नंबर का। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का सवाल कि 1 किलोवाट में जूल की संख्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोवाट घंटा है ना, ये 1 किलोवाट घंटा जो फ्रेंड्स आपके घर में मीटर लगा होता है ना, उसी को 1 किलोवाट जो होता है बोलते हैं, कि 1 यूनिट बोलते हैं ना, 1 यूनिट को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा, या इसे kWh मीटर पे देखेंगे तो kWh भी दिखाया जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितना होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 3.6 × 10⁶ क्या होता है आपका जूल, यानी कि जूलों की संख्या कितना होगा, तो 3.6 × 10⁶। और देखिए 2014, 2019, 2020 में इस प्रकार के प्रश्न आ चुका है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। या इसके अलावा याद रख सकते हैं, किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं, या इसे 1 किलोवाट और kWh भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इतना विस्तार से आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स 18वां नंबर का सवाल ध्यान से देखिए कि 1 वैद्युत यूनिट बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन है कि वाट, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा, या किलोवाट घंटा। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको समझाया है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट कहते हैं, या kWh के द्वारा दिखाती है, ये बराबर जो होता है 3.6 × 10⁶ के जूल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका 19 नंबर का सवाल क्या है, और इसे हल कैसे करेंगे आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स क्या है कि 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको अभी शक्ति का फार्मूला बताया है ना, वही शक्ति वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर होता है, या इसके अलावा आई स्क्वायर आर होता है, या पी वी आई होता है। ये 3 फार्मूला फ्रेंड्स शक्ति का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये वी का मान दिया है, ये वाट देने का, देखिए डब्ल्यू का मतलब होता है वाट, ये पी का मान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए वी दिया, पी दिया, आर दिया, यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पी का मान कितना दिया है, 100 दिया है, और वी का मान कितना दिया है, 220, और स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर कर लीजिए। आर का मान पूछ रहा है, अब फ्रेंड्स तिरिया गुणा कर आर बराबर कितना हो जाएगा, 220 स्क्वायर 220 × 220, और 100 के यहाँ पे लाएंगे, इसलिए कि आर को पक्षांतर किए हैं, तो बटा में 100 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। फ्रेंड्स देखिए आप क्या करेंगे, 22 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 484। और देखिए ये आर है, आर प्रतिरोध होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 484 ओम। अब फ्रेंड्स ऑप्शन में आप देख लीजिए, 484 दिया क्या है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 484 ओम। देखिए फ्रेंड्स ये ओम का सिंबल होता है, इस तरह ध्यान दीजिएगा, ये किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है। फ्रेंड्स इस ऑप्शन को भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन मत लगा दीजिएगा ना, कन्फ्यूजन में इस ऑप्शन को लगा के मत चलाइएगा। अब फ्रेंड्स चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 20वां नंबर का सवाल क्या है कि वैद्युत धारा को मापा जाता है। देखिए फ्रेंड्स वैद्युत धारा का मात्रक आपको बताएं, ठीक है। ऑप्शन है वैद्युत जनित
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहे वैद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है वैद्युत जनित्र द्वारा, या धारा मापी द्वारा, या एमीटर। ये फ्रेंड्स एमीटर है, क्या है? एमीटर, एमीटर द्वारा या वैद्युत मोटर द्वारा। तो फ्रेंड्स ये जो रहेगा आपका होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास फ्रेंड्स अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।